Yes, good morning students. Let's continue with the disease topic. The today's disease is cholera. CHOLERA. आज हम कौन सी डिजीज करने जा रहे हैं? आज हमने ये चैप्टर खत्म करना है. We are left with the three diseases. One of them is cholera. Right? कल आज हमने cholera disease start करनी है. It is caused by the विब्रियो कॉलरा बैक्टीरियम. इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड द विब्रियो कॉलरा. विब्रियो कॉलरा बैक्टीरियम का नाम है बच्चे. ये विब्रियो कॉलरा बैक्टीरियम जो है रिस्पॉन्सिबल है इस कॉलरा डिजीज के लिए. इट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी के अंडर आती है? ये कैटेगरी के अंदर आती है बैक्टीरिया की. क्योंकि भी हमारे पास कल भी हमने एक बैक्टीरिया कैटेगरी के अंदर डिजीज करी. वो हमारा नाम था उसका ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस के बाद आज हम सेकंड डिजीज करने जा रहे हैं. वो भी बैक्टीरिया से है. बैक्टीरिया उसका जो है एजेंट है. और इस डिजीज के जो मेन कॉज है वो ये बैक्टीरियम कैसे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कैसे इस डिजीज को करता है, कैसे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं बॉडी में, और अगर इसके सिम्टम्स आ जाते हैं तो व्हाट आर द प्रिवेंशंस एंड व्हाट आर द क्योर ऑफ दिस डिजीज. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज द एजेंट दैट इज द नेम ऑफ द जर्म विच इज द विब्रियो कॉलरा. इट मीन्स कैसे नोट्स बनाएंगे हम. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कॉलरा. अब ये जर्म प्रेजेंट कहां पर होता है बच्चे? जैसे हम अनकवर्ड फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे आपके एरिया में भी हर जगह जो है अनकवर्ड फूड अगर अवेलेबल हो, जैसे कि रेडियो वगैरह में जो सड़क पे बेचने वाले होते हैं उन्होंने उस फूड को कवर नहीं कर रखा. अगर वो फूड कवर नहीं है, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो नूडल्स हैं, चाहे वो कोई भी फूड है, अगर वो कवर नहीं है तो उसके ऊपर क्या बैठ जाती हैं? फ्लाइज बैठ जाती हैं, डस्ट बैठ जाती है, मॉस्किटो बैठते हैं उसके ऊपर. तो वो वहां पर इस डिजीज के जर्म्स को स्प्रेड करते हैं, उस इस डिजीज के जर्म्स को वहां पर छोड़ देते हैं और वही डिजीज वाला जर्म्स हम इनटेक करते हैं. यानी मेन कॉज इसका क्या है? अनकवर्ड फूड. अनकवर्ड फूड जो जिसके किस अनकवर्ड फूड जो किसके कांटेक्ट में आता है? फ्लाइज के कांटेक्ट में आता है, मॉस्किटोज के कांटेक्ट में आता है, जर्म्स के कांटेक्ट में आता है. तो हमें कभी भी अनकवर्ड फूड नहीं लेना चाहिए. हमें हमेशा पैक्ड फूड कवर्ड फूड लेना चाहिए. अनकवर्ड फूड पर मक्खियां, चर, अदर जर्म्स, अदर बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं उनके जर्म्स को, उस डिजीज को. सो क्या लिखना है यहाँ पर? कॉलरा जो है वो उसका जो मेन कॉज है वो क्या है? अनकवर्ड फूड है, कॉन्टेमिनेटेड फूड है और कॉन्टेमिनेटेड वॉटर है. येस्टरडे आई ऑल्सो टोल्ड यू the many diseases, the cause of many diseases is unclean water, unclean food. बहुत सारी diseases का कारण unclean water है, unclean food है, उस वजह से वो diseases spread होती है. तो what I am writing here, I am writing the uncovered food. You also note down uncovered food and water which comes in contact with flies, which come in contact with flies. हम सोचते हैं कि ये फूड सस्ता है, चीपर है, हमारे को इजिली अवेलेबल है, कम पैसे में मिल जाता है, तो हमें इसे यूज कर लेना चाहिए, कंज्यूम कर लेना चाहिए. लेकिन ये फूड जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है. आपने नाम सुना होगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, उसको वॉमिटिंग्स आने लग गई, उसको लूज मोशंस लग गए. तो ये सारे कॉजेस जो हैं वो किसके हैं? अनकवर्ड फूड को कंज्यूम करने के हैं.
ऐसा फूड कंज्यूम करने के हैं जो फ्लाइज के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जो कवर्ड नहीं है, ऐसे फूड को हम कॉन्टेमिनेटेड फूड कहते हैं, ऐसे वाटर को हम कॉन्टेमिनेटेड वाटर कहते हैं। बकेट्स में पानी भर के रख दिया और उसको गंदी जगह से भरा, उसके अंदर जर्म्स है, उसे कवर करके नहीं रखा और वही वाटर हमने पीने के लिए कंज्यूम कर लिया, तो जो ये जर्म्स होते हैं बच्चे, दीज जर्म्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हमें लगता है कि वाटर बड़ा क्लीन है, हमें लगता है कि वाटर में कोई जर्म्स नहीं है, बट वो इतने स्मॉल होते हैं कि वी कांट सी विद द नेक्ड आई, वी कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली। सो हम उस वाटर को क्लीन समझकर उस वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं और जब वो वाटर हमारे स्टमक में इंफेक्शन करता है, देन ओनली वी कम टू नो कि हमने कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज किया होगा, हमने कॉन्टेमिनेटेड फूड यूज किया होगा, देन वी रियलाइज। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ द कॉलरा डिजीज? इट इज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। दीज जर्म्स आर प्रेजेंट ऑन द अनकवर्ड फूड एंड अनकवर्ड वाटर और कॉन्टेमिनेटेड वाटर। व्हेन दीज अनकवर्ड फूड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लाइज, then they spread this type of bacteria which cause the disease cholera, right? Now we come to the symptoms of this disease. What are the symptoms? Hame kaise identify hoga ki hame ye disease hui hai, right? Symptoms, what are the, agar hum treatment tabhi karenge jab hame symptoms pata honge, अगर हमें डिजीज के सिम्टम्स ही नहीं पता, हाउ वी कम टू नो द डिजीज, हमें डिजीज का कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सिम्टम है, वॉटरी लूज मोशंस। लूज मोशंस तो हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा पानी जैसे, ऐसी लूज मोशंस जो मतलब बिल्कुल जस्ट लाइक ए लिक्विड, ऐसी लूज मोशंस लगती हैं जिसमें हम वॉशरूम तक भी नहीं पहुंच पाते, इतना बुरा हाल हो जाता है, ऐसी लूज मोशंस। और इस लूज मोशन के बाद सेकंड पॉइंट इसका है एफर्टलेस वॉमिटिंग। एफर्टलेस वॉमिटिंग आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, जुलाई अगस्त के सीजन में जब बहुत ज्यादा जो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट होता है, जहां पर जर्म्स बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्टिव हो जाते हैं उस सीजन में, तो आपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि कई बच्चे कहते हैं मैम हमें वॉमिटिंग आई है, वी हैव टू पास आउट, तो हमें जाना है वॉमिटिंग, तो उनकी क्लास में ही बुरा हाल हो जाता है वॉमिटिंग का। एफर्टलेस यानी कि कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, रुकती ही नहीं है वॉमिटिंग, ऐसी वॉमिटिंग्स को किसकी आइडेंटिटी कहते हैं? कॉलरा की आइडेंटिटी कहते हैं कि उस पर्सन को क्या हो गई है, इंफेक्शन हो गई है, या तो उसने गंदा फूड कंज्यूम कर लिया है या उसने गंदा पानी पी लिया है। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एफर्टलेस वॉमिटिंग। अब लॉस ऑफ सेवरल लीटर्स ऑफ फ्लूइड, उसकी बॉडी से बार बार लूज मोशन जाने से, बार बार वॉमिटिंग आने से, उसकी बॉडी से सेवरल लीटर ऑफ फ्लूइड लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ सेवरल लीटर्स ऑफ फ्लूइड, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है उसकी बॉडी से, बिकॉज बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही है, बार बार उसको लूज मोशन आ रही है, और दो ही दिन में, विद इन टू और थ्री डेज ऐसा लगता है कि वो वीक हो गया है, उसकी आईज जो है संकन हो गई है, संकन मींस अंदर को धस गई है, अंदर को धस जाना, अंदर को आईज का धसना, मतलब उसे वीकनेस बोलते हैं, कि ऐसा उसके चेहरे को देख के लगेगा कि वो बीमार है, उसकी बॉडी में वीकनेस है और उसके बॉडी से
बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है फ्लूइड है वो लॉस हुआ है, ऐसा उसके फेस से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। इमीडिएट ट्रीटमेंट की इसकी जरूरत होती है, इसको डिले नहीं करना होता क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगी अगर बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लूज हो। What are the preventions? अगर हमें बच्चे पता है कि हमें uncovered food, flies जिसके ऊपर बैठी हुई हैं, ऐसा food खाने से ये disease हो जाएगी, तो हमें पहले ही वो disease हमें ना हो तो what are the preventions we have to follow? हमें कौन सी preventions follow करनी है उसके लिए? हमें crowded areas में जाकर कुछ भी कंज्यूम नहीं करना। सपोज दिवाली मेला लगा हुआ है तो सब लोग जाते हैं देखने के लिए कि फेस्टिवल का जो एक गेट टुगेदर हो रहा है, या कोई और भी विलेज में किसी भी फंक्शन होता है, कोई ऐसा मेले लगते हैं जहां पर कि वहां पर बहुत क्राउड होता है, तो जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है तो वहां पर हमेशा जो फूड होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बिकता। हम वहां जाते हैं और वहां से फूड खाते हैं और वहां का पानी पीते हैं और घर आकर हमारा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, हमें लूज मोशंस लग जाती हैं, हमें वॉमिटिंग्स लगती हैं, तो हमें ऐसे एरियाज में जाकर कुछ भी खाना अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड एरिया में जाकर। और हमें कैसा वाटर लेना चाहिए? बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए। हमें कवर्ड फूड कंज्यूम करना चाहिए, राइट? हमें फूड क्या लेना चाहिए? कवर्ड फूड लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर फ्लाइज बैठी हो, हमें ऐसा फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट? दीज आर द, हमें अपनी हाइजीन यानी कि क्लीनिनेस, व्हाट डू यू मीन बाय हाइजीन? क्लीनिनेस, आसपास की क्लीनिनेस, अपनी क्लीनिनेस, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना, सो दैट कि हमें ये जो डिजीज है वो हो ही ना। लेकिन अगर फिर भी ये डिजीज अनजाने में हमने गलती से ही सही अगर हमने डर्टी कॉन्टेमिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लिया है तो फिर हम इस डिजीज का कंट्रोल कैसे करेंगे? आप सबने बहुत अच्छे से सुना हुआ है ORS का नाम। ORS यानी कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS? ओरल रिहाइड्रेटेड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन का मतलब है जो पानी की कमी हमारे अंदर आ गई है, ये ORS सॉल्यूशन जो है उस पानी की कमी को क्या करता है? फिर से पूरा करता है। री का मतलब होता है दोबारा, रिहाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को। तो हमें ORS लेना चाहिए, हमें बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, हमें इमीडिएट मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। कौन सी? डॉक्टर के पास, ये नहीं खुद ही मेडिसिन खाते रहे, खुद ही नहीं खानी, एडवाइस, हमें मेडिकल एडवाइस लेनी है, वो उसकी एडवाइस लेनी चाहिए डॉक्टर से, राइट? दिस इज ऑल अबाउट दिस डिजीज। वन मोर डिजीज रिलेटेड टू दिस डिजीज, कॉलरा, और एक और डिजीज है डायरिया। डायरिया को फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, आपने सुना होगा DIA, डायरिया, DIARRHOEA, आपने सुना होगा इसका दूसरा नाम है फूड पॉइजनिंग। इसका नाम क्या है?
फूड पॉइजनिंग, राइट, फूड पॉइजनिंग, ये बिल्कुल इस, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके सिम्टम्स बिल्कुल किसके जैसे हैं, कॉलरा जैसे, जिसके सिम्टम्स बिल्कुल कॉलरा जैसे हैं, बिल्कुल एज इट इज इसके सिम्टम्स है इस डिजीज के, जो फूड पॉइजनिंग है इसके सिम्टम्स बिल्कुल कॉलरा जैसे हैं। कॉलरा जैसे मतलब इसमें भी पर्सन को क्या आगी, वॉमिटिंग फील होगी, और इसमें भी पर्सन को लूज मोशन फील होगी, राइट, लूज मोशन आएंगी, वॉमिटिंग आएंगी, और इसमें भी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। सेम सिम्टम्स है, सेम, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है इस डिजीज में और उस डिजीज में क्या डिफरेंस है? या कॉलरा और डायरिया में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो डायरिया है वो स्मॉल स्केल में होती है। स्मॉल स्केल का मतलब है एक साथ बहुत सारे लोगों को नहीं होती। ये सिटी की डिजीज है, जैसे मान लीजिए कि चार पांच लोग फैमिली के होटल में खाना खाने गए, और चार पांच लोग होटल में खाना खाने गए और उनमें से किसी को आकर फूड पॉइजनिंग हो गई, किसी को वो खाना सूट नहीं करा, राइट। लेकिन जो कॉलरा है वो लार्ज स्केल, यानी कि पूरा का पूरा विलेज कहाँ गया, मेले में गया, फेयर पे गया, और आकर उसमें से 80% लोगों को क्या हो गया, स्टमक इन्फेक्शन, लूज मोशन, वॉमिटिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड कॉलरा? कॉलरा इज एट द लार्ज स्केल एंड डायरिया इज एट ए स्मॉल स्केल। डायरिया में भी वही सिम्टम्स हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, और उसके लिए भी वही सब कुछ है कि हमें अच्छे होटल में जाकर खाना खाना है, हमें जहां सस्ता खाना मिलता है, जिस होटल में हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, हमें ऐसी जगह पर नहीं खाना खाने जाना, हमें बाहर, जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं, वी हैव टू टेक केयर, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है जहां पर पूरी की पूरी क्लीनिनेस की फैसिलिटीज है, जहां पर क्लीनिनेस का ध्यान रखा जाता है, जहां पर गंदगी नहीं है। तो हमें बिल्कुल ऐसी जगह पे, ऐसा नहीं है कि हमारे फ्रेंड की फैमिली उस होटल में गई थी तो हमने भी उसी होटल में खाना खाने जाना है। हमें डेकोर का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन हमें देखना है कि उसका डेकोर अगर अच्छा है तो उसकी क्या क्लीनिनेस है वहां पर, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्लीनिनेस का ध्यान रखकर खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम द डायरिया। सो नाउ वी मूव टू द लास्ट डिजीज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टाइफाइड। लास्ट डिजीज वो भी बैक्टीरिया से हो रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिजीज? टाइफाइड। टाइफाइड इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। टाइफाइड का भी जो कॉज है वो क्या है? बैक्टीरिया है। टाइफाइड एक ऐसी डिजीज है जो बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत ज्यादा कॉमन। अगर किसी का फीवर 5-6 दिन तक ना उतरे तो डॉक्टर क्या कहता है कि इसका टाइफाइड चेक करा लीजिए। इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया। इसमें 1 से लेकर 15 ईयर तक के जो पर्सन हैं, 5 से लेकर 15 तक, उसमें तो ये बहुत ही कॉमन है। 1 से लेकर 15, ऐसा नहीं है 15 ईयर के बाद नहीं होती, बट मोस्ट कॉमन ये 1 से लेकर 15 ईयर तक की एज में है। हर साल इंडिया में 2.5 मिलियन जो है, इतने लोग टाइफाइड का, उनकी बॉडी पे टाइफाइड का इफेक्ट आता है। बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है ये, बहुत कॉमन। इसका जो बैक्टीरियम है
उसका नाम है सेल्मोनेला टर्सी, SALMONELLA, सेल्मोनेला, इसका जो सिम्टम है टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी जो है ये क्या है, इसका बैक्टीरियम है। अब फिर से वही बात हो रही है कि ये जो टाइफी है, ये जो जर्म है, कैसे स्प्रेड होता है। अगेन एंड अगेन मैं आपको वही बात बता रही हूं कि 90% डिजीजेस का कारण कॉन्टेमिनेटेड फूड और कॉन्टेमिनेटेड वाटर है। क्या है इसका रीजन भी? कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर का मतलब क्या है कि हमने अनक्लीन, कॉन्टेमिनेटेड वाटर यानी कि हमने अनक्लीन पानी पी लिया, हमें लगा कि वो पानी साफ है, लेकिन वो पानी साफ नहीं होता क्योंकि जर्म्स जो हैं उसके अंदर इंफेक्शन के जर्म्स होते हैं जो स्मॉल, बहुत स्मॉल होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते। My point is clear कि this disease is also caused by the bacterium and the name of the bacterium is Salmonella typhi. You have to learn the names of the germs. And again, this disease is very common in India. This is caused by contaminated water and contaminated food. Every year, this disease comes in India. इसके जो germs हैं, हर साल बहुत सारे लोग इससे मरते भी हैं और बहुत सारे लोगों को ये disease होती है. What are the symptoms? इस disease के क्या symptoms हैं? अगर हमें symptoms पता होंगे, तभी हम उसकी prevention करेंगे. तो first symptom इसका है headache and typhoid fever. अब टाइफाइड फीवर क्या होता है? हेडेक तो चलो ठीक बात है, सर में दर्द हो गया। टाइफाइड फीवर एक ऐसा स्पेशल फीवर है जो एक टिपिकल टाइप ऑफ फीवर है। टिपिकल टाइप ऑफ फीवर का मतलब क्या है? जो सुबह हुआ और दोपहर तक, आफ्टरनून तक मैक्सिमम हो गया, इंक्रीज एवरी डे, हर रोज इसके ये रोज बढ़े। तो जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होता, फीवर फिर से हो जाता है। ये जितनी उतनी देर ही उतरता है जितनी देर टैबलेट का असर रहता है। टैबलेट का असर 7 आवर्स से ज्यादा नहीं रहता, तो फर्स्ट वीक में ये इंक्रीज ही करता है। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि मेडिसिन भी दी जा रही है लेकिन फीवर उतर नहीं रहा, हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, चलो अब क्या है, टाइफाइड चेक करो। तब अगर ये फीवर 4-5 दिन से ज्यादा रहता है, फर्क नहीं पड़ता, तो डॉक्टर सुजेस्ट करता है कि अब इसका टाइफाइड टेस्ट करा लो। और फिर मेडिसिन टाइफाइड की शुरू होती है, लेकिन सेकेंड वीक के 3rd-4th डे तक भी, सेकेंड वीक के 3rd-4th डे तक भी ये बढ़ता रहता है। उसके बाद जाकर ये फीवर क्या होता है, कम होता है। सो दिस इज ए टिपिकल टाइप ऑफ फीवर जिसके अंदर टेम्परेचर आफ्टरनून तक इंक्रीज होता है, फर्स्ट वीक में इंक्रीज होता है और सेकेंड वीक के 2nd-3rd डे में जाकर कम होना स्टार्ट होगा, राइट? इसके प्रिवेंशंस, एवरीवन नोस व्हाट आर द प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस इसके वही है, हमें क्लीन पानी पीना चाहिए, हमें बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, हमें फिल्टर पानी पीना चाहिए, हमें क्लीन फूड खाना चाहिए, सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई अगर नहीं होगी तो इसके जर्म्स स्प्रेड करेंगे ही करेंगे। क्लियर है ये बात? साफ सफाई बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है क्लीनिनेस। क्लीनिनेस में हम बहुत सारी डिजीजेस से बच सकते हैं। और अगर फिर भी जो ये फीवर हो जाता है
तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, हमें बहुत सारी जो है इसकी मेडिसिन आती हैं, अलग अलग सॉल्ट्स की आती हैं, बट वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर. विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन. घर से केमिस्ट से कोई मेडिसिन आपको नहीं लेनी जब तक कि डॉक्टर उसकी डोज आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी के हिसाब से उसका सॉल्ट सेट नहीं करता, राइट. और इसकी ये टाइफाइड हो ही ना, एक टैब वैक्सीन आती है बेटा, इसका नाम क्या है, TAB. कौन सी वैक्सीन है? TAB. एक टैब वैक्सीन आती है, उस टैब वैक्सीन के कंज्यूम से 3 साल तक ये डिजीज नहीं होती. 3 साल तक बॉडी के अंदर इसकी इम्यूनिटी रहती है और ये जर्म जो है सेल्मेनोला टाइफी ये हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करता. 3 ईयर तक, 3 ईयर तक इसको हम अपनी बॉडी में इसके जर्म्स को एंटर होने से बचा सकते. माय पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. आज हमने कौन कौन सी डिजीजेस करी? आज हमने कोरिलेटेड 2 डिजीजेस करी. कोरिलेटेड का मतलब क्या है, उनके सिम्टम्स सेम है लेकिन उनका जो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का डिफरेंस है, दैट इज कॉलरा. और फिर हमने करी दैट इज सेकेंड इज डायरिया. डायरिया और कॉलरा इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है. उसके बाद हमने एक और बैक्टीरियम डिजीज करी दैट इज टाइफाइड. टाइफाइड एक टिपिकल टाइप का फीवर है जिसके जर्म्स का कारण फिर से कॉन्टेमिनेटेड वाटर और कॉन्टेमिनेटेड फूड है, राइट. इसके साथ आज हमने अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हमारा 3rd चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट. इन 3 डिजीजेस के बाद वी हैव टू लर्न एंड राइट दीज 3 डिजीजेस. हमें ये तीनों की तीनों डिजीजेस लिखनी है, नोट्स बनाने हैं, इसके लर्न करनी है ये तीनों की तीनों डिजीजेस. और हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ तो वो मेरे से पूछ सकता है, उसके व्हाट्सएप पे बच्चे पूछ लेते हैं किसी चीज का कोई डाउट हो, मैम कैसे करना है, क्या करना है. ऑल द स्टूडेंट्स आर टच विद मी, सभी मेरे टच में हैं तो वो पूछ लेते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे से बात कर सकते हैं. But with these diseases, we have finished the chapter 3. So what is your homework? Your homework is to learn the complete chapter. Revise the complete chapter. Pura chapter aapko revise karna hai. Aur iski PDF. Ab chapter complete ho gaya hai. Iski PDF banakar mujhe send karni hai. So that ki main dekh saku ki har bachcha, har student kaam kar raha hai ya nahi kar raha. क्लियर है मेरी बात ये सबको? आकाश सर, आकाश सर, आकाश सर कहाँ चले जाते हैं ये बेटा? सर को मैसेज करो जरा, एक बच्चा कहाँ चले जाते हैं. आकाश सर,